वैसे शायद सा आंटी आपसे भी मुझे बड़ी शिकायतें हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जब आपने हमारी सास को बुलावा दिया तो क्या आप उनसे ये नहीं कह सकती थी कि वो अपनी बहू से कहे कि अपने घर से भी दो बंदे बुला ले। अब देखे ना, अस्मा के भाई और भाभी तो रहते हैं लाहौर में, वो तो आ नहीं सकते थे, लेकिन मेरी माँ और मेरा भाई तो यहीं रहते हैं ना शहर में, वो भी शिरकत कर लेते मंगनी में, तो आपका क्या जाता? देखिए अजरा, हमने तो कहा था कि जितने लोग लाने हैं ले आए, उन्होंने कहा कि बस घर के लोग होंगे। असल में उस दिन अचानक मंगनी तैयार हो गई, वरना हम इससे बहुत बड़ा अरेंजमेंट करते। हाँ भाई, हमारी सास को तो जो है ना थूक से पकोड़े तलने की आदत है, और हमारे ससुर वो तो ऐसी बड़बोले हैं, कहीं भी जाके कुछ भी बोलाते। अब देखे ना, उस दिन आपके घर वो लोग अचानक इसलिए आए थे ताकि आपका रहन सहन देख कर तय करें कि इस घर में शादी करनी है कि नहीं, लेकिन बातों ही बातों में वो मंगनी की तारीख तय करके चले गए। वैसे आपको बता रही हूँ मैं, हमारी सास का तो अभी भी यही इरादा है कि आपका रहन सहन देखेंगी, तौर तरीके आपके समझ में आएंगे तो बात आगे बढ़ाएंगी, वरना वो ये मंगनी तोड़ देंगी। देखे आपको मैं ये बात बता रही हूँ, अब हमारी सास से मत कह दीजिएगा कि मैंने आपको ये बात बताई है। अरे किस सोच में पड़ गई शायद आंटी, अब जाइए, हमारे जाने का टाइम हो गया है, जरा खाना वाना पैक करवा दीजिए, और हाँ सुनिए, जरा बोटियाँ डलवा दीजिएगा बिरयानी में भी और कौरमे में भी, जो डोंगे आए थे उनमें तो बोटियाँ नाम को भी नहीं थी, बस सालन में डुबकियाँ लगाने की देर रह गई थी, और हाँ गाजर का हलवा भी पैक करा दीजिएगा। जी जी, आप हमें आप जाए खाना पैक। जी जी, मैं तीर निशाने पे बैठेगा।